अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर नई दिशा निर्देश जारी कर सकती है। दुनिया भर में कोरोना के कहर के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद है। भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना वायरस के चपेट में है। दुनिया भर में कोरोना के कहर के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद है। भारत सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए विभिन्न संख्या में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें में संचालन कर रही है। वहीं घरेलू उड़ानों को भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि अब सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा को लेकर जल्द फैसला ले सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर नई दिशा निर्देश जारी कर सकती है, जिसके तहत सरकार उड़ानों पर छूट दे सकती है। सुनिए यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा है। एनी सजेशन दैट इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक इज ओपनड आउट एंड वी आर द ओनली वन नॉट ओपनिंग आउट आई थिंक नीड्स व्हाट यू गेट आई शुड यूज रियलिटी चेक द एग्जैक्ट टाइमिंग व्हेन वी विल ओपन अप इंटरनेशनल इट मींस द अदर कंट्री हैज टू बी ओपन to receiving international flight. So in the absence of a decision on resumption of international civil aviation, which will depend on the other countries opening up, the domestic traffic in countries opening up, we are left with no option but to continue what I call evacuation and repatriation flights under managed and controlled conditions. What does that mean? It means that I might decide that since I have to travel, take people to the United States and people from the United States have to come here, either way, we will continue these flights. Maybe we'll think of a slightly different modality. Maybe we'll have to think of a slightly different way. But this will have to be the model. ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।